हेलो, वेलकम टू अरविंद सिंह एकेडमी। माय सेल्फ अरविंद कुमार सिंह एंड हियर आई एम बी फॉर यू टू डिस्कस इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन क्या है और इसका क्या इस्तेमाल होता है मैथमेटिक्स के वर्ल्ड में, ये पहले समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन को तो पढ़ ही लेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन का लिटरल मीनिंग होता है एक्युमुलेशन, राइट? इंटीग्रेशन का लिटरल मीनिंग, जैसे कि मैंने कहा आपको, एक्युमुलेशन। अब एक्युमुलेशन, इंटीग्रेट करना, कॉमन वर्ड है, बहुत ही कॉमन, बहुत ही प्यारा वर्ड। मतलब क्या कि यूनाइट करना, किसी चीज को इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। इकट्ठा क्या कर सकते हैं? आज की दुनिया में लोग सबसे ज्यादा इकट्ठा क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा लोग मनी इकट्ठा कर रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं। तो चलिए धन इकट्ठा करने से ही शुरुआत कर लेते हैं। या लोग, बहुत सारे लोग जो है वो डाटा डाटा स्टोर करते हैं। डाटा मतलब इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। तो हम तो ये बात करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग धन इकट्ठा कर रहे हैं। तो धन कैसे इकट्ठा कर रहे हैं? मान लीजिए कि मेरी जो मेरा जो काम है, इस काम के हिसाब से मुझे 100 रुपये रोज मिलता है, ठीक है जी। जो मैं काम करता हूँ उसका रोज मेरी मजदूरी जो है वो 100 रुपीज की है, 100 रुपीज पर डे के हिसाब से मिलता है। तो ये हो गई हमारी वेजेज, ठीक है, और ये हो गया डेज। तो अगर एक दिन मैं काम करूं तो मुझे कितने पैसे मिल जाएंगे? 100 रुपए, राइट। एक दिन काम करने के मुझे 100 रुपए मिल जाएंगे। अगर मैं 2 दिन काम करूं तो कितने मिल जाएंगे? तो 200 मिल जाएंगे। सीधी सीधी जवाब है कि ये भी मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा। अगर 3 दिन काम करूं तो 300 रुपए मिल जाएंगे, है ना। आप सोच रहे हो कि इसमें नया क्या बता रहे हो भाई, ये तो सबको पता है कि 100 रुपए रोज के हिसाब से काम करें तो 3 दिन में 300 रुपए मिल जाएगा। हाँ, मैं नया कुछ नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूं कि ये 300 रुपया आप 100 100 100 प्लस किए तो 300 आया, कि यहाँ पे भी 100 रुपए कमा लिए, इस दिन भी 100 रुपए कमा लिए, इस दिन भी 100 रुपए कमा लिए तो 300 रुपया। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 300 निकालने का एक अल्टरनेट तरीका भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है कि इस एरिया को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये जो लेंथ है वो कितना है? 100 है, ये हमने यूनिट माना है एक्स एक्सिस पे। और ये जो डेज है, ये कितने दिन की बात कर रहे हैं हम? 3 दिन की। तो एरिया इंक्लोज्ड बाय दिस स्ट्रेट लाइन विथ दिस डेज दैट विल बी इक्वल टू 300। कैसे? ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी हो गई? 3। और ये कितना है? 100। ये एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, तो एरिया इंक्लोज्ड इज इक्वल टू क्या हो गया? इंक्लोज्ड हो गया 100 × 3, यानी 300 रुपया। यानी हमारी जो वेजेज है, जो हमारी इनकम है, वो इस एरिया के जरिए निकल गई। बड़ा ही आश्चर्य की बात है, वेजेज हमारी निकले एरिया से। अच्छा, कैसे, क्या है ये? बेसिकली ये है कि वेज जो है वो इस डेज पे डिपेंड है। ज्यादा दिन काम करेंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, है ना। एक चीज, एक भी, ये भी वेरिएबल है, ये भी बदल रहा है और ये भी बदल रहा है। टोटल वेजेज बदल रहा है डेज के हिसाब से। अगर 3 दिन काम किया तो ये इस पे ये डिपेंड है। इसी तरह से अगर मैं ये कहूं कि वाई एक फंक्शन है एक्स का, y x पे डिपेंडेंट है, तो ये y अगर x का फंक्शन है तो इनका एरिया, इधर अगर मैं y रिप्रेजेंट करूं और इधर मैं x रिप्रेजेंट करूं, y मतलब fx रिप्रेजेंट करूं, ये कह सकते हैं fx इज इक्वल टू y इधर की ओर रिप्रेजेंट किया जाए और x इधर की ओर रिप्रेजेंट किया जाए, ये अगर फिक्स वैल्यू हो तो इसके अंदर भी जो एरिया होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अगर कोई स्ट्रेट लाइन होगी, मान लीजिए फिक्स है, और ये अगर हम एरिया निकालेंगे तो ये एरिया भी होगा fx इंटू x के बराबर, यानी एरिया fx इंटू x क्या मिलेगा? एरिया। अब ये तो बहुत ही आसान चीज हुआ भाई, इसमें तो कोई नया बात है नहीं। सबको पता है कि एरिया हम ऐसे निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल का एरिया या स्क्वायर का एरिया निकालना हो तो हम लेंथ इंटू ब्रेथ कर सकते हैं, और लेंथ इंटू ब्रेथ करने से ये एरिया निकल जाता है। बिल्कुल सही, हम भी इस बात को मानते हैं कि अगर ये आसानी से हो रेक्टेंगल तो एरिया निकल जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद एक इंटरेस्टिंग बात करते हैं। मान लो कि हमें एरिया निकालना हो, जैसे हम निकालते हैं
स्पीड टाइम ग्राफ। और स्पीड टाइम ग्राफ में मान लीजिए कि ये आपका एक, हम ये कह लेते हैं कि ये है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। इसमें कोई एक आप मान सकते हैं कि ये जो है ये पूरा का पूरा क्या दिखा रहा है, ये आपका ये टाइम दिखा रहा है टाइम, और ये दिखा रहा है स्पीड, स्पीड इन मीटर पर सेकंड और टाइम इन सेकंड मान लीजिए दिखा रहा है। ऐसा आपने पहले पढ़ा हुआ है और फिजिक्स में आप ऐसा पढ़ते ही जा रहे हैं। ये टाइम इधर की ओर बढ़ रहा है और जो स्पीड है वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो स्पीड जो है ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अगर स्पीड फिक्स है, स्पीड फिक्स है, मान लीजिए ऐसे स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड फिक्स है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए आप क्या करते हैं, स्पीड इनटू टाइम। मान लीजिए कि ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है या मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो मीटर पर सेकंड में ही ले लेते हैं कि स्पीड जो है वो 40 मीटर पर सेकंड है। तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 40, 2 सेकंड में ये 1 सेकंड में 80, 3 सेकंड में 120, 4 सेकंड में 160। क्लियर सी बात है कि आप कह देंगे कि बिल्कुल वैसे ही, अगर हम यहाँ एरिया निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया निकालने से हमें मिल जाएगा वो डिस्टेंस, राइट ना, हमें मिल जाएगा डिस्टेंस। तो अगर हम एरिया निकालें यहाँ पर भी तो हमें मिल जाएगा वो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा पूरा। अगर ये हम एरिया निकालें तो ये हमें पूरा मिल जाएगा डिस्टेंस, और ये भी उसी तरह से लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा। इसी तरह से तमाम जो दो वेरिएबल एक दूसरे पे जो डिपेंडेंट होते हैं उनका एरिया निकालने पर क्या निकल जाता है, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर जो डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल हैं दोनों एक दूसरे पे, उनका ये हमें प्रोडक्ट करने से एरिया मिलता है, और एरिया मिलके क्या मिलता है उनका प्रोडक्ट। अगर उनका प्रोडक्ट कोई डिफरेंट क्वांटिटी को कन्वे कर रहा है तो वो हम कहते हैं उस क्वांटिटी को, जैसे यहाँ स्पीड इंटू टाइम क्या मिलेगा, डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी की उसका डिस्टेंस और स्पीड का ये जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप इससे निकल आएगा। बहुत बढ़िया, अभी भी कोई नई बात नहीं हुई, लेकिन अब नई बात होने जा रही है। मान लो कि ये ग्राफ है और ये स्पीड जो है, स्पीड कांस्टेंट हो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हमेशा आप एक कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करें। स्पीड जो है अब वेरिएबल होता है, यूजुअली स्पीड वेरिएबल होता है, ये कांस्टेंट नहीं होता। आप बाजार में जा रहे हैं और ट्रैफिक मिल रही है तो कभी तेज चलाते हैं, कभी स्लो चलाते हैं, कभी कोई गाड़ी आ जाती है, कभी कोई आगे गाय आ जाती है, तो आप क्या करते हैं, स्पीड को स्लो और फास्ट करते रहते हैं। तो स्पीड वेरिएबल है, स्पीड लगातार जो है ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो आप अब कितने इस 4 सेकंड में जो 1, 2, 3, 4 ये 4 जो सेकंड है, इस 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अब आप आसानी से उतना कैलकुलेट तो नहीं कर सकते जैसे पहले आसानी से कैलकुलेट कर लिया था, क्यों, स्ट्रेट लाइन का जो कर्व निकालना, स्ट्रेट लाइन का जो है वो निकालना हमें बड़ा ही आसान है और आप आसानी से निकाल सकते हैं। स्ट्रेट लाइन का निकालना एरिया बड़ा ही आसान है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये है वेरिएबल, तो वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, और ये 4 सेकंड या कुछ ज्यादा, मान लीजिए जैसे हम कहें कि चलिए 4.25 सेकंड में निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, तो ये एरिया यहाँ पर भी एरिया निकालने से आना चाहिए। हाँ बिल्कुल आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ एरिया निकालेंगे तो नहीं आएगा, ऐसा तो सवाल ही नहीं है, यहाँ पर भी निकलेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये एरिया आप निकालोगे कैसे, ये स्ट्रेट लाइन में तो लेंथ इनटू ब्रेथ कर दिए, यहाँ पर एरिया कैसे निकालोगे? तो ये एरिया निकालने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। यही जो एरिया निकालने का उपाय है, जो शॉर्टकट तरीका है, वो इंटीग्रेशन देता है। कैसे, अभी हम बात करते हैं इस पे कि ये कैसे देता है। इंटीग्रेशन से ये एरिया निकल जाएगा। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, ये है फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, राइट। और ये क्या है, इस टाइम को हम कैलकुलेट कर ले, अगर ये x है, टाइम का ग्राफ अगर ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है मान लीजिए, और ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एफ एक्स इंटू एक्स करने से क्या मिल जाएगा,
एफ एक्स इंटू एक्स करने से मिल जाएगा हमारा एरिया, और ये एरिया किसके बराबर होगा, ये एरिया जो होगा वो होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी के बराबर। एफ एक्स इंटू एक्स विल रिप्रेजेंट द एरिया इंक्लोज्ड बाय द कर्व, एरिया इंक्लोज्ड बाय द कर्व विथ एक्स एक्सिस कहां से कहां तक, तो यहां पे टाइम कितनी है बताओ, जीरो, यानी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे एक्स जीरो है और यहाँ पे एक्स क्या है फोर, तो ये हो रहा है कि जीरो से फोर के बीच में, बिटवीन एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू फोर, यानी ये एरिया हुआ। अब सवाल ये है कि इस एरिया को कैलकुलेट करने का और क्या तरीका हो सकता है। अब मान लीजिए कि एक एरिया, ऐसे ही हम कर्व की बात कर रहे हैं, ये कर्व है और इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है, तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या तरीका हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि इसका एरिया हमें ये ए एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी के बीच में कैलकुलेट करना है, तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के क्या तरीके हो सकते हैं। ये जो कर्व है इसके एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी, ये ए और बी के बीच का हमें एरिया कैलकुलेट करना है। इसमें हम दो पॉइंट और मान लेते हैं, मान लीजिए ये हम चाहे इसको दो भागों में बांट दें कि ये एक्स इज इक्वल टू ये हो गया एफ ए और ये बराबर बराबर डिस्टेंस पे, चाहे तो हम इसे दो भागों में बांट दें या तीन भागों में बांट दें, अभी हम तीन भागों में बांट रहे हैं, ये हो गया एक एक्स वन और ये हो गया एक्स टू, ठीक है। अब इस तीन भागों में अगर मैं बांट दूं और इस एरिया को कैलकुलेट करूं एक दो और तीन, तीन भागों में बट गया, तीन भागों में ये बट गया और इस एरिया को हमें कैलकुलेट करना है, ये जो है, और ये जो है ऐसा कुछ, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट करना है तो इनको कैलकुलेट करने का क्या तरीका हो सकता है, हम ये देखना चाहते हैं। तो ये एरिया अगर ये ए है, ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक अगर ए है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक ए है पूरा, है ना, तो यहां पर जो वैल्यू मिलेगी ये वो क्या होगी, ये वैल्यू जो होगी वो एफ ए की होगी, यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, एफ ए। एफ ए का मतलब हुआ कि ये जो वैल्यू मिल रहा है आपको वो है ए पर, ए पर एक्स की वैल्यू, जब एक्स ए है, वाई इक्वल टू एक्स फंक्शन है, यानी जब एक्स ए है तो एफ ए की वैल्यू क्या होगी। अब इस तरह से यहां हमारे पास, ध्यान से देखिए, तीन एरिया मिल गया, एरिया ए वन ए टू और ए थ्री। इसका एरिया निकालने के लिए अगर मैं इसको, ये समझ लीजिए कि इसको अगर इस तरह से कर दें या इसको इस तरह से कर दें और इसको इस तरह से कर दें, ठीक है, तो ये जो है ये एरिया कैसे मिलेगा। आप ध्यान से देखें, इस एरिया को अगर हम निकालें कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल करके निकाल लें, यहां से ये एरिया रेक्टेंगुलर हो गया, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो रेक्टेंगुलर हो गया, और ये भी एरिया रेक्टेंगुलर हो गया, ये हम निकाल सकते हैं आसानी से, ये एरिया भी रेक्टेंगुलर हो गया, ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अभी भी एक ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे कुछ एरिया ऐसा है जो छूट जा रहा है, ये जो है ये छूट जा रहा है, ये जो है ये छूट रहा है, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम देख रहे हैं कि अगर इसको हमने ये बनाया कि तीन एरिया निकालना है, टोटल एरिया किसके बराबर होगा, टोटल एरिया ये जो होगा वो होगा टोटल एरिया, ये हो जाएगा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। इसका मतलब हुआ कि ए वन क्या हो गया, ये हम कहें कि एफ ए और इंटू ये कितना डिस्टेंस है, ये अगर तीनों डिस्टेंस बराबर है, मान लीजिए ये डेल्टा एक्स है, ये भी डेल्टा एक्स है, अभी डेल्टा एक्स है, तो ये हो गया कि एफ ए इंटू डेल्टा एक्स, राइट, एफ प्लस यहां पे क्या होगा,
अब ए पे आ गया, यहां पे एक्स वन है तो ये एफ एक्स वन इंटू डेल्टा एक्स है ना, प्लस एफ एक्स टू इंटू डेल्टा एक्स होगा, होगा ना। अब ये हमने देखा कि तीनों एरिया को कैलकुलेट करें, अगर इस पॉइंट को भी मैं एक्स मान लूं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए के बजाय क्या हो जाएगा, एक्स। कुछ भी मान सकते हैं, सिमेट्री डालने के लिए मैं इसको एक्स मान ले रहा हूं कि ताकि ये सिमेट्री आ जाए। ये एक्स वन मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर एक्स वन मान लूं तो इसको क्या हो जाएगा एक्स टू, ये क्या हो जाएगा एक्स थ्री। तो इस तरीके से ये जो हो जाएगा ये सिमेट्री आ जाएगी, एफ एक्स वन एफ एक्स टू एफ एक्स थ्री इंटू डेल्टा एक्स। मतलब ये हुआ कि तीनों एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमने ऐसा किया, फिर भी ये एरिया बच जा रहा है। अगर इस सेगमेंट को, ये चौड़ाई जो है इसको और छोटा कर दिया जाए, जैसे इतना छोटा मैं कर दूं तो ये जो है वो ट्रेंगल बनेगा, जो रेक्टेंगल उसमें बहुत छोटा सा छूटेगा, बहुत छोटा सा। ये पहले तरीका था जिससे कि हम कैलकुलेट कर पा रहे थे, इसको जो विड्थ है उसको बहुत छोटा और बहुत छोटा कर सकते हैं, तो उससे क्या मिल जाएगा, हमारा पूरा एरिया। यानी पूरा एरिया कैसे मिल जाएगा, सिग्मा। सिग्मा आपको पता होगा, एफ एक्स आई, आई क्या है, वन से लेकर के, अगर एन सेगमेंट में इसको बांट दिया जाए तो वन से लेकर के एन तक, आई जो हुआ वो कहां से कहां तक हुआ, वन से लेकर के एन तक, वन से लेकर के एन तक, एफ एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स, ये भी क्या मिलेगा, एरिया। तो इस तरह से एरिया मिल जाएगा। ये एरिया को हम समेशन के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन ये डेल्टा एक्स जो ये चौड़ाई होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। यानी एरिया जो होगा डेल्टा एक्स विल बी वेरी स्मॉल। ठीक है, अब एक और बात लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं और जल्दी से इसको देखते हैं कि क्या हो सकता है। ये इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट हुआ। अब मान लेते हैं कि ये एक फंक्शन है, यहाँ पे एफ एक्स, नीचे से ये फंक्शन है और फंक्शन का नाम क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स एक फंक्शन है और ये है x। यहां से यहां तक अगर हम ये कहें कि एरिया, ये एरिया जो है वो यहां से यहां तक है, ठीक है, और यहां से यहां तक ये एरिया है और इस एरिया को हमने कैलकुलेट किया है कैसे, तो एफेक्ट जो है उस एरिया को कैलकुलेट कर रहे हैं। एफेक्ट जो है वो थोड़ा टाइम लेता है, हाँ, ये जो है ये कर्व है हमारा और इस कर्व में आप ये एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि इस एक्स को यहां से यहां तक जो है एफेक्ट इंटू एक्स करेंगे तो ये एरिया मिल जाएगा। अगर एक्स को थोड़ा सा और इंक्रीमेंट कर दूं, इंक्रीज कर दूं, ये एक्स को थोड़ा और इंक्रीज कर दिया जाए, ये जरा सा इंक्रीज कर दिया जाए, ये है डेल्टा एक्स, तो एरिया भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। ये अगर मैं कर लूं डेल्टा एक्स तो एरिया थोड़ी सी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना। ये अगर डेल्टा एक्स मैं ले लूं तो ये एरिया भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और एरिया कितनी बढ़ेगी, डेल्टा है, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। इसका मतलब हुआ कि एरिया में चेंज हो रहा है, कब, जब एक्स में चेंज हो रहा है, और जब एक वेरिएबल का चेंज दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो तो हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर चेंज हो तो हम उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, है ना, हम उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम निकाल सकते हैं डी ए बाई डी एक्स, ठीक है, हम निकाल सकते हैं डी ए बाई डी एक्स। चलिए देखते हैं कि हम निकाल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एरिया व्हेन चेंज इन एक्स, दैट इज व्हाट, डिफरेंशिएशन की लिमिट के हिसाब से है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन एक्स। अब चेंज इन एरिया क्या है बताइए, वहां से ग्राफ से आपने देखा, इस ग्राफ से आप देख पा रहे हैं कि ये चेंज इन एरिया क्या होगा, तो ये विड्थ है और ये है एफ एक्स, यानी चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा, एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। यही बात हम पीछे लिखते हैं कि एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स ये हो गया एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स कट गया, मतलब क्या हो गया, एफ एक्स।
और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज इक्वल टू फंक्शन। इसका मतलब हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन का जो एरिया का डेरिवेटिव है वो फंक्शन है, एरिया का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, फंक्शन। यानी एक ऐसा एरिया का जो डेरिवेटिव है वो है फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक ऐसी चीज चाहिए जिसका डेरिवेटिव, अगर इस एरिया का डेरिवेटिव निकले तो उससे क्या निकल जाएगा, उससे फंक्शन निकल जाएगा। ये फंक्शन है, ये निकल जाएगा अगर हमने ये किया कि ये जो डेल्टा एक्स था इसका, ये फंक्शन का ये एरिया है, इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये फंक्शन निकल जाएगा। यानी हमें ये कह सकते हैं कि जो एरिया निकलता है वो एरिया का डेरिवेटिव करने से फंक्शन निकलता है, तो फंक्शन का इंटीग्रेशन करने से क्या निकलता था, एरिया। अभी हम करेंगे तो इसको एरिया। यानी एक एफेक्ट हमें ऐसा चाहिए जिसका डेरिवेटिव करने पर ये फंक्शन निकलेगा। वो फंक्शन निकालना, वो फंक्शन आपको पता करना है, और यही शॉर्टकट 17th सेंचुरी में न्यूटन और लेबनीज ने मिल करके निकाला था। और ये जो है 17th सेंचुरी में कौन कौन निकाला था, न्यूटन और लेबनीज, एक दो मैथमेटिशियन थे, इन लोगों ने मिल करके, और ये निकाला था ये कि ऐसा एक फंक्शन चाहिए जिसका डेरिवेटिव करने पर एक ये एफएक्स आ जाए। तो इसी से पता चला कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है। और वो फंक्शन निकालने के लिए जिसका डेरिवेटिव एफएक्स है उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। यानी इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो गया एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एरिया। अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एरिया मिलेगा। यानी इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ये है डेरिवेटिव और आ क्या रहा है, एरिया, एरिया फंक्शन। सो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर, आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर, रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। ये बात समझ में आ गई कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, अल्दो दोनों के कंसेप्ट बिल इंटायरली डिफरेंट है, बट इमेजिनली दोनों में ये जैसे दो मेले में बिछड़े हुए यार मिलते हैं, उसी तरह से ये दोनों या दो भाई मिल जाते हैं, फिल्मों में ऐसा दिखाते हैं, उसी तरह से ये दोनों भाई भाई निकले, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों भाई भाई निकले, लेकिन दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है। अर्थात एक जो काम कर सकता है दूसरा उसको उल्टा कर देगा। कुछ ऐसा जैसा ये समझ लीजिए कि एक चीज है कटिंग करने वाला, एक चीज है पेस्टिंग करने वाला, उस तरह का ये प्रोसेस है। जो इंटीग्रेशन करेगा डिफरेंशिएशन उसको उल्टा कर देगा, और डिफरेंशिएशन जो करेगा इंटीग्रेशन उसको उल्टा कर देगा। तो बोथ आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर, और इंटीग्रेशन इज नथिंग एल्स बट एंटी डेरिवेटिव, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। कई जगह आपको लिखा होगा कि एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का एंटी है दुश्मन। हम ये कह दें कि इंटीग्रेशन का ये दुश्मन है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे ये एक दूसरे का उल्टा काम करता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपने सीखा है, ये क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अगर करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स, राइट। तो उल्टा काम हुआ कि नहीं हुआ, कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अगर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है, है ना। अभी हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, यहाँ पे साइन एक्स प्लस सी लिखना पड़ेगा, और इस सी को कहते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब सवाल है कि ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है और ये कब कब इस्तेमाल होता है, ये क्या है। तो अभी पहले इस सबको समझने से पहले दो बातें समझते हैं कि इंटीग्रेशन को मोटे तौर पे दो भागों में बांटा जा सकता है। इंटीग्रेशन जो होता है
उसको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या फर्क है? यही है फर्क कि अगर हम कोई कर्व लेते हैं, मान लीजिए ये कोई कर्व है और ये हमने एक कर्व दिया और इसके बीच में हमने कहा कि निकालिए कि इंटीग्रल ऑफ ये एफ एक्स है और हमने कहा कि निकालिए इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो इससे अभी आपको पता चल गया है कि एरिया मिलता है, एरिया किसके किसके बीच में मिलता है, तो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, एंड एक्स एक्सिस। लेकिन आप बता सकते हैं कि इसके और इसके बीच में कितना एरिया है जी, कोई बता सकता है? नहीं, ये इनफाइनाइट है, ये एफ एक्स की भी कोई लिमिटेशन नहीं है, ये कहीं तक जा सकता है और ये भी कर्व है, कर्व तो कहीं तक जा सकता है। तो क्या उसके और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया हम फाइनाइट रूप से कह सकते हैं कि इतना स्क्वायर यूनिट है और इतना नहीं है? नहीं, चूंकि ये फाइनाइट नहीं है, ये डेफिनेट नहीं है एरिया, इसलिए इसको हम कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और ये डेफिनेट नहीं है उसलिए हम एक कांस्टेंट को लिखते हैं, अनोन कांस्टेंट होती है, अनोन कांस्टेंट, क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली उसकी वैल्यू कितनी है, अनोन कांस्टेंट होती है ये कांस्टेंट, इसलिए इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और जब यही एरिया, यही चीज अगर मैं कहूं डेफिनेट इंटीग्रेशन के टर्म्स में अगर आए, तो ये कर्व है और ये है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पे मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू ए है और एक्स इज इक्वल टू बी है, और अब एरिया कहा जाए कैलकुलेट करने के लिए, तो क्या होगा? एरिया फाइनाइट होगा कि नहीं होगा? फाइनाइट होगा, डेफिनेट होगा, क्योंकि इसमें बाउंड्री लग गई, तो बाउंड्री लग गई इसलिए अब ये एरिया बिटवीन टू, तो इसलिए इसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करना होता है? ये होता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और इससे मिलता क्या है? इससे मिलता है एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व एंड एक्स एक्सिस बिटवीन एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी। तो चूंकि इसमें एरिया जो है वो फाइनाइट मिल रहा है, इसलिए हमने क्या कहा इसको? डेफिनेट। और इसको क्या कहा? इनडेफिनेट। चलिए एक और बात समझते हैं कि अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव कहा जाए, जो अभी हमने कहा साइन एक्स का, तो कॉस एक्स होगा, ठीक है। डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस फाइव हो तो क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन, तब भी साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और फाइव का क्या हो जाएगा? जीरो। क्या दोनों ही स्थिति में हम इंटीग्रेट अगर करें तो हमें कॉस एक्स साइन एक्स मिल जाएगा? अब हम कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, डी एक्स तो मिल रहा है साइन एक्स, फाइव तो मिला नहीं। पहली स्थिति में तो ये सही है और दूसरी स्थिति में क्या है? गलत। क्यों? क्योंकि हमें कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन किए तो साइन एक्स मिला, साइन एक्स प्लस फाइव तो मिला नहीं। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ पे ये सही हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये ट्रू नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं कि एक अनोन कांस्टेंट जोड़ देते हैं, अगर कांस्टेंट हुआ तो उसकी कुछ वैल्यू होगी, अगर नहीं हुआ तो जीरो हो जाएगा, इसलिए इस कांस्टेंट को जोड़ना जरूरी है, और ये कांस्टेंट कहलाता है, ये कांस्टेंट जो है ये कहलाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सिर्फ और सिर्फ हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जोड़ते हैं, क्योंकि यही इनडेफिनिट होता है, ये कॉन्स्टेंट, उसको डेफिनिट वैल्यू देने से वो डेफिनिट वैल्यू उसकी आएगी। और ये कैसे देते हैं, उसके कुछ कंडीशन होते हैं, वो आगे हम सीखेंगे, लेकिन ये कॉन्स्टेंट जो होता है वो हमेशा लिखना पड़ेगा, जितना भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आप करोगे उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमने कहा कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जो कुछ भी ये करता है उसका ये उल्टा काम करता है।
तो जितने फॉर्मूले आपने इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में सीखे हैं वो सब फॉर्मूले इंटीग्रेशन में भी उसका रिवर्स यूज कर सकते हैं एंटी डेरिवेटिव। तो अब हम इस इंटीग्रेशन को ऐसा समझ लेंगे कि ये मिक्सर ग्राइंडर की तरह है, जिसका ये क्या है ढक्कन और ये क्या है इंटीग्रेशन ऊपर का, ये मशीन है। ये समझ लीजिए कि ये मशीन है इंटीग्रेशन ड्राइवर का और ये है उसका कवर ढक्कन। इसके अंदर मिक्सर ग्राइंडर के अंदर क्या होता है, जो कुछ भी डालते हैं उसकी शक्ल बदल के बाहर आ जाती है। तो यहाँ जो कुछ भी फंक्शन डालोगे वो बाहर आके बदल जाएगा, उसकी शक्ल या कुछ बदल जाएगा। जैसे हम साइन एक्स को यहाँ डालते हैं तो क्या मिल जाता है, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स हो जाता है प्लस सी। सी लिखना जरूरी है, और क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। तो माइनस चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, या माइनस साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये रिवर्स प्रोसेस है, यानी अभी तक हम ये सीख पाए कि अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है डी एक्स तो उसका इंटीग्रेट करने पर उसकी वैल्यू बदल जाएगी, फंक्शन का नेचर बदल जाएगा और एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा ये सी। ये हुआ इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रेबल वैल्यू, ये हुआ इंटीग्रैंड, इसको कहते हैं इंटीग्रैंड, ठीक है, इंटीग्रल के अंदर है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डालने पर भी उसकी वैल्यू बदलती नहीं है। जैसे मान लो मिक्सर ग्राइंडर में आप पानी डाल दोगे तो बाहर क्या निकलेगा, पानी ही निकलेगा। वैसा ही एक फंक्शन है जिसको ई टू दी पावर एक्स कहते हैं, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन करने पर भी ई टू दी पावर एक्स ही रहेगा, क्योंकि ई टू दी पावर एक्स का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो भी क्या रहता है ई टू दी पावर एक्स। तो ई टू दी पावर एक्स एक ऐसा चीज है जिसका चाहे इंटीग्रेशन करो चाहे डिफरेंशिएशन करो हर हालत में वो ऐसा ही रहेगा, वो बदलता नहीं है। बाकी सारी फंक्शन इस मशीन के अंदर डालने पर उसकी शक्ल जरूर से जरूर बदल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि इंटीग्रेशन क्या है और इसका क्यों करते हैं हम। ये बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट तरीका है किसी चीज को कैलकुलेट करने का, एरिया को कैलकुलेट करने का, क्योंकि फंक्शन हमेशा वेरिएबल नहीं होता इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो जो भी ये इंटीग्रैंड है इसके अंदर बाहर जो कुछ भी फंक्शन आप रखोगे बाहर निकल के उसकी एक वैल्यू होगी। यानी मोटे तौर पे आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कैपिटल एफ प्लस सी, ये एक इंटीग्रल का बेसिक नेचर है। और अगर हमने इसमें लिमिट लगाया तो ये डेफिनेट होगा, नहीं लगाया तो ये इनडेफिनिट होगा। तो आई होप कि आपको बेसिक चीज समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस, कीप वॉचिंग एंड आपका सहयोग मिलता रहे। तो इसी तरह से हम आगे और अगले वीडियो में आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। इंटीग्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिलीव कीजिए। और अभी तक आपने जो देखा होगा ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी और इसके बाद हम आगे अब इस पर और डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।